वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज के स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी एट आई जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए रियलमी आई 3.0 बीटा यूजर्स के लिए एक न्यू अपडेट को ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। उस अपडेट का वर्जन क्या देखने को मिलता है, उस अपडेट के साथ में आपको भी क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पर बात करेंगे कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और रियलमी आई 3.0 का ऑफिशियल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, क्या एंड्रॉइड 11 यूजर्स को भी इस डेट को अपडेट देखने को मिलेगा, सारी कुछ डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी 8i डिवाइस के पहले न्यू अपडेट के बारे में। तो आपको डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अगर आपका डिवाइस रियलमी 3.0 बीटा पर रन कर रहा है तो आपको C.03 का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में C.03 का न्यू अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आपको विद इन 5 डे का वेट करना है। उसके अंदर अंदर ये अपडेट आपको आपके डिवाइस में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में जो वो फर्स्ट बैच अपडेट में आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी उन सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया गया है। अब यहाँ पर जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में वो डायरेक्टली एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा फाइनली। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका डिवाइस रियलमी 3.0 बीटा पर रन कर रहा था तो आपको पिछले अपडेट में हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी डाउन इश्यूज और भी सारे कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे आपको आपके डिवाइस में। उन सारे प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ में सॉल्व किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 ऑफिशियल अपडेट के साथ में आपको आपके डिवाइस में जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उन सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको बीटा से ऑफिशियल में कन्वर्ट किया जाएगा। डिवाइस में न्यू वर्जन को प्रोवाइड किया जाएगा। डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्मूथनेस परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा डिवाइस की। तो आपको एंड्रॉइड 12 ऑफिशियल अपडेट में साथ में सब कुछ सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एंड्रॉइड 11 यूजर्स और रियलमी 3.0 बीटा यूजर्स को अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपके डिवाइस में रियलमी 3.0 का फर्स्ट बैच, सेकंड बैच बीटा फॉर्म को लाइव किया था, आपने अप्लाई भी किया था, तो दोनों ही अपडेट देखने को मिल गए हैं। एंड आपको न्यू अपडेट भी देखने को मिल गया है तो अब आपको डायरेक्टली ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा जो कि मई के एंडिंग तक प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट रहते हैं यहाँ पर 1 से 2 मंथ बाद प्रोवाइड कर देती है कंपनी, तो आपको मई के एंडिंग तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको तब तक लिए वेट करना है। एंड्रॉइड 11 यूजर्स को ज्यादा एक्टिव रहना होगा। अगर एंड्रॉइड 11 यूजर्स एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अपडेट होते हैं लिमिटेड सीटों के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना है, सॉफ्टवेयर में चेक करते रहना है। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सको। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।